मुस्लिम समाज का पर्व शबे बरात को मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों के भीतर ही मनाया और अपने पुरखों को याद किया। पुरखों की याद में मुस्लिम समाज के लोगों ने फातिहा भी पढ़ा और दुआएं भी मांगी। मदारों पर पूरा सन्नाटा फैला रहा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके तहत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि शबे बरात अपने घरों पर ही मनाएं। इस दौरान मदारों पर ताले बंद पाए गए, जिसको देखते हुए समाज के लोगों ने घरों में इबादत की और अपने पुरखों के लिए दुआएं मांगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुफरान साजू ने कहा, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد बुजुर्गों के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं, उनकी रूहें आती हैं, उनको उनके मकबरत के लिए और उनके सवाब के लिए हम लोग दुआएं मांगते हैं। ऐसे तो मर्द लोग जाते हैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं वहाँ नहीं गए, लोग घर पे ही हम लोगों ने इस चीज़ को मनाया और अपने पुरखों के लिए अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं की और उनके लिए हलवा वगैरह बनाकर उनके लिए फातिहा करवाई है। मेरा नाम समद गुफरान साजू है। हर साल हम लोग मस्जिदों में जाकर तिलावत करते थे और वहीं इबादत अल्लाह की बारगाह में करते थे, और कब्रिस्तानों में जाकर जो हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मगफिरात के लिए हम लोग दुआएं करते थे, वहीं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते थे। लेकिन चूंकि आज कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में मारामारी फैली हुई है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर और तमाम सुरक्षा के कड़े नियमों को देखते हुए हम लोगों ने इस बार ये फैसला किया है कि हम लोग लॉकडाउन का पर अमल करेंगे और शासन प्रशासन का सहयोग भरपूर तरीके से करेंगे, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने इस बार फैसला किया है कि सारी इबादत और यहीं से हम लोग घर से ही वो फातिहा पढ़कर अपने जो बुज़ुर्ग हमारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको बख्शेंगे।